Hi everyone, in this video we will discuss about glands. So guys, gland kya hai? Gland juice enzyme ya fir hormone ko secrete karti hai. Apne paas mainly glands two types ki hoti hai. Kon kon si? Ek hai mere paas endocrine gland aur ek hai mere paas exocrine gland. Exocrine gland. To guys, endocrine gland kya hoti hai? Jo ki hormone secrete kare. Endocrine gland jo hormone secrete karti hai. और एक्सोक्राइन ग्लैंड जो कि जूस या फिर एंजाइम सिक्रीट करती है, जूस या फिर एंजाइम सिक्रीट करती है, वो होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड. गाइस, नेक्स्ट है अपने पास टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन. पहले बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड को लेके. टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, इसमें फर्स्ट टाइप है अपने पास हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस ब्रेन में ही होती है, ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है. ब्रेन में होती है और लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है. नेक्स्ट है अपने पास पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड. नेक्स्ट है मेरे पास पीनियल ग्लैंड. पीनियल ग्लैंड. फोर्थ है थायरॉइड ग्लैंड. थायरॉइड ग्लैंड. फिफ्थ है पैराथायरॉइड ग्लैंड. पैराथायरॉइड ग्लैंड. नेक्स्ट है मेरे पास थाइमस ग्लैंड. थाइमस ग्लैंड. गाइस, थायरॉइड ग्लैंड और पैराथायरॉइड ग्लैंड ये अपने पास थ्रोट में होती है और थाइमस ग्लैंड मेरे पास है चेस्ट में. ये चेस्ट में होती है और जैसे जैसे एज बढ़ती है, बूढ़ा होने पे ये खत्म होने लगती है. जैसे जैसे एज बढ़ती है तो थाइमस ग्लैंड खत्म होने लगती है. नेक्स्ट है मेरे पास पैंक्रियास ग्लैंड. पेंक्रियास ग्लैंड ये एब्डोमिनल कैविटी में होती है. एब्डोमिनल कैविटी में पेंक्रियास ग्लैंड होती है. गाइस, नेक्स्ट है मेरे पास एड्रिनल ग्लैंड. एड्रिनल ग्लैंड ये किडनी के अबव होती है. अबव किडनी मिलती है. अबव किडनी. नेक्स्ट है मेरे पास गोनाड्स ग्लैंड. गोनाड्स ग्लैंड ये बिलो इंटेस्टाइन होती है. बिलो इंटेस्टाइन होती है. सो गाइस, नेक्स्ट पहले बात करते हैं हम थायरॉइड ग्लैंड की. थायरॉइड ग्लैंड की जो कि थ्रोट में होती है. थायरॉइड ग्लैंड पहले बता दिया, ये थ्रोट में होती है. नेक्स्ट है कि ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है. ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है. नेक्स्ट है इसकी शेप अपने पास एच शेप्ड होती है. एच शेप्ड होती है कुछ इस तरीके से. नेक्स्ट है ये हार्मोन कौन सा सिक्रेट करती है. थायरोक्सिन हार्मोन करती है. थायरोक्सिन हार्मोन को सिक्रेट करती है. और ये थायरोक्सिन हार्मोन फिर क्या करता है अपने पास, आयोडीन को कंट्रोल करता है. आयोडीन कंट्रोल करने का काम करता है. जैसे हम कहते हैं ना, कभी आयोडीन की कमी हो गई, खाने में नमक कम हो गया, तो जिसकी वजह से आयोडीन की कमी हो गई, तो थायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है, आयोडीन को बैलेंस करने का काम करता है. आयोडीन को कंट्रोल करने का काम करता है. वो थायरॉइड ग्लैंड से ही निकलता है. नेक्स्ट है मेरे पास पैराथायरॉइड ग्लैंड. पैराथायरॉइड ग्लैंड ये ग्लैंड अपने पास इसी थायरॉइड ग्लैंड के, थायरॉइड ग्लैंड के चारों कॉर्नर्स पे होती है. थायरॉइड ग्लैंड के चारों कॉर्नर्स में मेरे पास है पैराथायरॉइड ग्लैंड. इस तरीके से ये चारों कॉर्नर्स पे है पैराथायरॉइड ग्लैंड. और ये भी अपने पास थ्रोट में होती है. कहाँ होती है, ये भी थ्रोट में होती है. नेक्स्ट पॉइंट है इसी को लेके थायरॉइड फॉलिकल सेल भी यही मिलते हैं. दोनों के बारे में एक बार बात करते हैं. पैराथायरॉइड ग्लैंड और थायरॉइड ग्लैंड को लेके दोनों के बारे में है कि थायरॉइड फॉलिकल सेल कहाँ मिलते हैं. थायरॉइड फॉलिकल सेल अपने को थायरॉइड ग्लैंड में ही मिलते हैं. और ये कौन से हार्मोन निकालते हैं, T3 और T4 हार्मोन निकालते हैं. T3 अपने पास है ट्राई आइडो. T3 का नेम क्या है, ट्राई आइडो थायरोनिन. और T4 है अपने पास सिमिलरली टेट्रा आइडो थायरोनिन. टेट्रा आइडो थायरोनिन. और T4 को ही हम थायरोक्सिन भी कहते हैं. थायरोक्सिन भी कहते हैं.
गाइस T3 और T4, T3 हो या फिर T4 हो, दोनों ही थायरोक्सिन हार्मोन निकालते हैं, दोनों ही थायरोक्सिन हार्मोन को निकालते हैं। थायरोक्सिन हार्मोन आप ऐसा समझो कि 98% निकलता है। थायरोक्सिन हार्मोन मेरे पास 98% निकलता है, और एक मेरे पास है कैल्सिटोनिन हार्मोन। कैल्सिटोनिन हार्मोन ये मेरे पास 2% निकलता है। तो कैल्सिटोनिन हार्मोन क्या करता है, मेनली कैल्शियम बैलेंस, कैल्शियम को कंट्रोल करने का काम करता है। बॉडी में कैल्शियम को कंट्रोल करने का काम कैल्सिटोनिन हार्मोन करता है। तो गाइस अभी दोनों हार्मोन और क्या करते हैं, नेक्स्ट है मेरे पास यही वाटर बैलेंस भी करते हैं, बॉडी में वाटर बैलेंस करते हैं और मेटाबॉलिक रेट को भी बढ़ाते हैं, मेटाबॉलिक रेट को भी ये बढ़ाते हैं। आगे है कैल्शियम कंट्रोल करते हैं, ये आपको बता ही दिया, बोन्स में या फिर ब्लड में, ये कैल्शियम दोनों में, बोन्स में या फिर ब्लड में कैल्शियम को कंट्रोल करते हैं। गाइस सपोज करो कि अगर कैल्शियम अपने पास ब्लड में ज्यादा है, ब्लड में अगर कैल्शियम ज्यादा है तो ब्लड से लेके बोन्स तक कैल्शियम को लेके जाने का काम यही हॉर्मोन करते हैं। ऐसे ही कैल्शियम आप ऐसा समझो कि कैल्शियम ब्लड में कम है, कम है तो बोन से ब्लड में कैल्शियम को ले जाने का काम यही हॉर्मोन करते हैं, राइट। तो नेक्स्ट है मेरे पास पैराथायरॉइड ग्लैंड के बारे में। पैराथायरॉइड ग्लैंड से ही क्या निकलता है, पैराथायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। पैरा थायरोक्सिन हार्मोन पैराथायरॉइड ग्लैंड से निकलता है, और इसी को ही हम दूसरा नाम भी देते हैं जिसका नाम है कॉलिप्स हार्मोन। कॉलिप्स हार्मोन इसका काम बिल्कुल कैल्सिटोनिन के जैसा ही होता है। ये क्या करता है, इट ट्रांसफर कैल्शियम को ये सिर्फ बोन से ब्लड में ही ट्रांसफर करता है, बोन से लेके कैल्शियम को ये सिर्फ बोन से लेके ब्लड में ही ट्रांसफर करता है। कहने का मतलब कैल्शियम बोन से ब्लड में ट्रांसफर किया, मतलब ब्लड में कमी होगी कैल्शियम की तभी बोन से ब्लड में गया। तो इसका मतलब ये कि ये इन शॉर्ट क्या कर रहा है कि कैल्शियम का लेवल ब्लड में बढ़ा रहा है, कैल्शियम का लेवल ब्लड में बढ़ा रहा है। वो क्या कर रहा था, कैल्सिटोनिन हार्मोन जो था वो कैल्शियम को ब्लड में और बोन्स दोनों में बैलेंस कर रहा था। जहां कमी हो रही थी वहां पर कैल्शियम को लेकर जा रहा था, चाहे ब्लड में है तो ब्लड में लेके जा रहा था, बोन्स में तो बोन्स में लेके जा रहा था। लेकिन ये क्या करता है कॉलिप्स हार्मोन या फिर पैराथायरोक्सिन हार्मोन, ये सिर्फ ब्लड में ही कैल्शियम को लेके जाता है, ये बोन्स में नहीं ब्लड में ही लेकर जाता है अगर ब्लड में कैल्शियम की कमी हो गई है तो। गाइज नेक्स्ट बात करते हैं अपने पास पेंक्रियाज ग्लैंड की। नेक्स्ट है मेरे पास पेंक्रियाज ग्लैंड। पेंक्रियास ग्लैंड को हम मिक्स ग्लैंड भी कहते हैं, मिक्स ग्लैंड भी कहते हैं। लीफ लाइक शेप होती है इसकी, लीफ लाइक शेप होती है। पहले भी बताया था डिस्कवर किसने किया इसको, कौन से साइंटिस्ट ने, लैंकर हंस नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया है। मिक्स ग्लैंड इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये तीन टाइप के हॉर्मोन्स निकालते हैं। कौन कौन सी, एक है मेरे पास ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन हार्मोन, एक है लिपेज, सॉरी एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम, लिपेज एंजाइम, और एक है मेरे पास एमाइलेज, एमाइलेज। तो यहीं पे इसी ग्लैंड से तीन सेल, सॉरी चार सेल निकलते हैं अपने पास। एक है अल्फा सेल, एक है बीटा सेल, एक है मेरे पास डेल्टा सेल, और एक है मेरे पास एफ सेल। तो गाइस अल्फा सेल कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, ग्लूकागोन हार्मोन अल्फा सेल सिक्रीट करता है, ग्लूकागोन हार्मोन। बीटा सेल अपने पास इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट करता है, डेल्टा सेल सोमेटोस्टैटिन हार्मोन सिक्रीट करता है, सोमेटोस्टैटिन हार्मोन को सिक्रीट करता है, और एफ सेल से यही एंजाइम्स निकलते हैं, ये तीन, ट्रिप्सिन, लिपेज और एमाइलेज। अब गाइस इंसुलिन का क्या, इंसुलिन कहाँ से निकला, पेंक्रियास के बीटा सेल से इंसुलिन निकला है। तो इंसुलिन की खोज आपको बताओ किसने की थी, बेंटिंग एंड बेस्ट ने की थी, बेंटिंग और बेस्ट ने की थी। इंसुलिन में ही अपने को समझो कि जिंक ज्यादा मिलता है, जिंक मिलता है, और इंसुलिन करता क्या है, इंसुलिन ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। इंसुलिन जो कि बीटा सेल से निकला है ये ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है गाइस अपने पास, अगर सपोज करो ग्लूकोज एक्सेस अमाउंट में हो गया है,
बॉडी में ग्लूकोज अपने पास ब्लड में ग्लूकोज एक्सेस अमाउंट में हो गया, तो ऐसे में इंसुलिन क्या करेगा, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। यही इंसुलिन एंजाइम क्या करेगा, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा अगर ग्लूकोज ब्लड में ज्यादा हो गया है तो। इसमें ट्रांसफर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन सॉरी ग्लाइकोजन में ट्रांसफर कर देता है। ऐसे ही ये ग्लाइकोजन कहाँ फिर इकट्ठा होता है, लीवर के एडिपोज टिश्यू में ही इकट्ठा हो जाता है, लीवर के एडिपोज टिश्यू में ये स्टोर हो जाता है। तो अगर ग्लूकोज एक्सेस में, तो इंसुलिन का काम क्या है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में ट्रांसफर कर देता है। फिर देखो ग्लाइकोजन अगर वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट होना है, ग्लाइकोजन अगर फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट करना चाहता है तो ये काम कौन करता है अपने पास, ग्लूकागोन हार्मोन करता है। ग्लूकागोन हार्मोन जो कि पेंक्रियास के अल्फा सेल से निकला है, पेंक्रियास के अल्फा सेल से जो निकला है ये ग्लूकागोन हार्मोन क्या करता है, ग्लाइकोजन को फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। अब ये ग्लूकोज क्या हुआ, अब ये ग्लूकोज ब्लड में आ गया। अब ब्लड में ग्लूकोज आ गया तो आगे की रिएक्शन अपने को पता है, ब्लड में ग्लूकोज जैसे ही आता है तो उसका ब्रेक डाउन होने लगता है। ब्रेक डाउन हुआ यहाँ पे, ये ग्लूकोज है, इसका ब्रेक डाउन होने लगता है यहाँ पे। ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, फिर ये CO2, वाटर और ATP निकालता है। ATP एनर्जी करेंसी है, एडिनोसिन ट्राइफोस्फेट इसका नाम है। नेक्स्ट है अपने पास सोमेटोस्टेटिन, सोमेटोस्टेटिन गाइस ये हेल्प करता है, ये ग्लूकागोन हार्मोन और इंसुलिन को हेल्प करता है। नेक्स्ट है मेरे पास हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस अपने पास सभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करते हैं, ध्यान रखना सभी एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करता है, सभी एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करता है, इसीलिए इसको हम मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। नेक्स्ट अपने को ये भी पता है फोर ब्रेन का पार्ट है, फोर ब्रेन का पार्ट होता है ये, नर्वस हॉर्मोन्स या फिर न्यूरॉन्स को कंट्रोल करता है, न्यूरॉन्स को कंट्रोल करता है। और क्या चीजें कंट्रोल करता है, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करता है, हंगर कंट्रोल करता है, थर्स्ट कंट्रोल करता है, फीलिंग कंट्रोल करता है, स्लीपिंग, डांसिंग, मूड, ये सब अपने पास हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है। तो नेक्स्ट देखते हैं अपने पास पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड ये ब्रेन में सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड होती है, स्मॉलेस्ट ग्लैंड है ये ब्रेन में। दो हार्मोन निकालती है, कौन कौन से दो हार्मोन सीक्रेट करती है, एक है मेलाटोनिन और गाइस एक है मेरे पास सेराटोनिन, सेराटोनिन इसी को हम थर्ड आई ऑफ ह्यूमन भी कह देते हैं, थर्ड आई ऑफ ह्यूमन भी कह देते हैं। अब देखो मेलाटोनिन हार्मोन क्या है, मेलाटोनिन हार्मोन इस हार्मोन से ना मेलानिन पिगमेंट निकलता है, इस हार्मोन से मेलानिन पिगमेंट निकलता है, मेलानिन पिगमेंट इस हार्मोन से निकलता है जो कि स्किन को कलर देता है, स्किन को कलर देता है। नेक्स्ट है मेरे पास सेराटोनिन, ये स्लीपिंग का कारण होता है, स्लीपिंग का कारण होता है मेरे पास सेराटोनिन। ये अंधेरे में ज्यादा निकलता है, अंधेरे में ये ज्यादा निकलता है तो तभी अंधेरे में नींद ज्यादा आती है, बच्चों में नींद ज्यादा आती है, इसका मतलब ये कि चाइल्ड में सेरोटोनिन ज्यादा मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं थाइमस ग्लैंड की, थाइमस ग्लैंड की ये अपने पास चेस्ट में मिलती है, थाइमस ग्लैंड मेरे पास चेस्ट में मिलती है और बॉडी में प्रोटीन या फिर लिम्फोसाइट को कंट्रोल करने का काम करते हैं, को रेगुलेट या कम कंट्रोल करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड
एड्रिनल हार्मोन निकालती है, एड्रिनलिन हार्मोन निकालती है। अबव किडनी होती है, पहले ही बता दिया था, अबव किडनी मिलती है। इसी को ही हम 4S या फिर 3F सेल्स भी कहते हैं। एमरजेंसी ग्लैंड भी कहलाती है ये, एमरजेंसी ग्लैंड भी कहलाती है। फाइट या फिर फ्लाइट ग्लैंड भी है ये। ब्लड प्रेशर वगैरह हाई होता है तो वो भी इसी ग्लैंड की वजह से होता है। नेक्स्ट है मेरे पास गोनैड ग्लैंड। गोनैड ग्लैंड ये बिलो इंटेस्टाइन मिलती है अपने को, बिलो इंटेस्टाइन। दो ये हार्मोन सीक्रेट करती है, कौन कौन से, मेल में और फीमेल में। फीमेल में ओवरी, मेल के टेस्टिस, फीमेल में ओवरी। तो मेल में कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट करेगी ये, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म। ऐसे ये फीमेल में कौन से हार्मोन सीक्रेट करती है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन, रिलैक्सिन। गाइस नेक्स्ट है मेरे पास पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड इसी को हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। सेवन ग्लैंड्स को ये कंट्रोल करता है। देखो ये सेवन ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है तो इसको मास्टर ग्लैंड कह देते हैं। हाइपोथैलेमस अपने पास सभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, इसलिए उसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। नेक्स्ट है ये सेकंड स्मॉलेस्ट ग्लैंड। सेकंड स्मॉलेस्ट ग्लैंड है, स्मॉलेस्ट ग्लैंड पीनियल थी तो ये अपने पास सेकंड स्मॉलेस्ट ग्लैंड है। ब्रेन में ही मिलती है, वेट है 0.6 ग्राम। बॉडी कंट्रोलर है, कौन कौन से हॉर्मोन निकालती है ये, TSH जिसका नाम है थायरॉइड, थायरॉइड स्टिमुलेटेड हार्मोन। तो ये गाइस क्या करते हैं, बॉडी ग्रोथ को कंट्रोल करता है, इट कंट्रोल्स बॉडी ग्रोथ। सॉरी ये बॉडी ग्रोथ कंट्रोल नहीं करता है, एक मिनट एक मिनट। ये अपने पास थायरोक्सिन हार्मोन निकालता है, ये क्या बनाता है, थायरोक्सिन हार्मोन बनाता है, इट फॉर्म्स थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन। तो थायरोक्सिन हार्मोन अपने पास बनाता कौन था, थायरॉइड ग्लैंड बनाती थी। तो आप ऐसा समझो कि थायरॉइड ग्लैंड को ही एक्टिवेट करने का काम करता है, इट एक्टिवेट्स थायरॉइड ग्लैंड। नेक्स्ट है मेरे पास STH। STH क्या है, सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन, सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन। ये बॉडी ग्रोथ कंट्रोल करता है, इट कंट्रोल्स बॉडी ग्रोथ। गाइस नेक्स्ट है मेरे पास LTH। LTH है मेरे पास ये लैक्टोजेनिक हार्मोन, ये फीमेल में मिलता है, फीमेल में मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है, मिल्क प्रोडक्शन इसी हार्मोन की वजह से होता है। प्रोलैक्टिन के साथ मिलके ये मिल्क प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है मेरे पास ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन ये मिल्क सिक्रीट करता है, ऊपर वाला मिल्क प्रोड्यूस करता है, ये मिल्क सिक्रीट करता है, ये भी फीमेल में होता है। वैसोप्रेसिन भी अपने पास फीमेल में होता है, ये हार्मोन भी कहाँ होता है, फीमेल में होता है। नेक्स्ट बार ये गाइज ये सब था अपने पास एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में, एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो गाइज ये बता दिया पहले कि एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन सीक्रेट करती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड जूस या फिर एंजाइम सीक्रेट करते हैं, जूस या फिर एंजाइम को सीक्रेट करती है। एक है मेरे पास सेरोमन ग्लैंड, इसमें कौन कौन सी हो सकती है, सेरोमन ग्लैंड। और सेरोमन ग्लैंड मिलती कहाँ है, ये ईयर्स में मिलती है, ईयर्स में
आप ऐसा समझो कि कान में जो भी मटेरियल है जिसकी वजह से लिक्विडिटी बनी रहती है, तो वो सेरोमन ग्लैंड की वजह से है। जो भी मोम टाइप मटेरियल है ना, तो मोम टाइप मटेरियल किस वजह से बनता है? सेरोमन ग्लैंड की वजह से बनता है, ताकि लिक्विडिटी बनी रहे। नेक्स्ट है मेरे पास लेक्रिमल ग्लैंड। लेक्रिमल ग्लैंड ये आईज में मिलती है, टीयर्स बनाती है, आंसू बनाने का काम ही लेक्रिमल ग्लैंड ही करते हैं। तो टीयर्स में होता क्या है? लाइसोजाइम एंजाइम होता है। लाइसोजाइम एंजाइम लेक्रिमल ग्लैंड में मिलता है। नेक्स्ट गाइस है मेरे पास मीबोमियन ग्लैंड। मीबोमियन ग्लैंड, अब ये मीबोमियन ग्लैंड कहाँ होता है? आईज में ही मिलता है। आईज ऑयली होती है तो इसी वजह से होती है। आईज ऑयली भी इसी वजह से होती है, तो सोने के बाद आईज रिपेयर होती है। सोने इसके बाद मतलब सोने के बाद जब हम उठते हैं तो आईज रिपेयर होती है। तो ऐसे में जो भी आईज के पास मटेरियल जमा होता है वो भी इसी मीबोमियन ग्लैंड की वजह से ही होता है। गाइज नेक्स्ट है स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड, स्वेट वही स्किन में मिलता है, पसीना बनाता है, और या फिर ऐसा समझो कि एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को बाहर निकालने का काम करता है। एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को ये बाहर निकालने का काम करता है, स्वेट ग्लैंड। नेक्स्ट है गाइस अपने पास सीबेशियस ग्लैंड। नेक्स्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड में है सीबेशियस ग्लैंड। अब ये सीबेशियस ग्लैंड नोज पे मिलती है, नोज के ऊपर होती है, तो नोज पे जो भी ऑयलीनेस है ऐसे समझो इसी ग्लैंड की वजह से है। और ऑयलीनेस नोज के ऊपर ऑयलीनेस, उसी को ही जो मटेरियल वहां जमता है उसी को हम सीबम कहते हैं। तो सीबम का फॉर्मेशन जो है वो इसी ग्लैंड की वजह से होता है। गाइज नेक्स्ट है मेरे पास सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड ये कहाँ मिलती है अपने को? माउथ में मिलती है। सलाइवरी ग्लैंड माउथ में मिलती है, सलाइवा फॉर्म करती है, डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट होते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम भी यहीं से सिक्रीट होते हैं। एक है मेरे पास, कौन कौन सी हो सकती है ये सलाइवरी ग्लैंड? सब मेंजिबुलर, सब मेंजिबुलर, मेंडिबुलर, और एक है मेरे पास पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड, तो नेक्स्ट है गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड गाइस, गैस्ट्रिक ग्लैंड मेरे पास स्टमक में मिलती है। ये अपने को स्टमक में मिलती है, डाइजेस्टिव एंजाइम ही सिक्रीट करती है। कौन कौन से? रेनिन और पेप्सिन। डाइजेस्टिव एंजाइम भी कौन कौन से? रेनिन और पेप्सिन, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड ही सिक्रीट करती है। नेक्स्ट है मेरे पास 8th नंबर पे म्यूकस ग्लैंड। म्यूकस ग्लैंड ये नोज के अंदर वाले पार्ट में ही मिलती है। नोज के अंदर वाले पार्ट में जो भी मटेरियल है ऐसा समझो कि म्यूकस जो बनता है उसका नाम म्यूकस ही होता है, तो वो म्यूकस ग्लैंड से ही वो जो फॉर्म होता है म्यूकस ग्लैंड से ही होता है। तो गाइज ये था आज की वीडियो के लिए। यहाँ हमने पढ़ा एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।